मैं हूं शेफ पंकज और शेफ पंकज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज काफ़ी लोग बोले कि शेफ क्विक स्नैक्स मतलब घर पे कैसे बना सकते हैं, और दूसरा क्या है कि ज़्यादा रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, लंबा लिस्ट नहीं चाहिए। आज ऐसा ही प्रिपरेशन आप लोग के लिए लेके आए हैं। सॉल्ट एंड पेपर कॉर्न या क्रिस्प अमेरिकन कॉर्न काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह में फैमिलियर है। इनफैक्ट आई फील कि ये रेसिपी में 20 साल पहले स्टार्ट किया था, एंड देन उस समय तो इंडियन कॉर्न्स भी, आजकल जो इंडियन स्वीट्स कॉर्न मॉडिफाइड कॉर्न आप लोग को मिलते हैं, दिज आर द ग्रोन इन इंडिया, बट पहले ये एक्चुअल स्वीट कॉर्न जो है इम्पोर्ट होके डायरेक्टली आता था, जो कि इससे भी थोड़ा बड़ा रहता था कॉर्न का साइज़ और थोड़ा मिठास ज़्यादा रहता था। लेकिन थैंक्स टू इंडियन फार्मर की ये इतने कम रेट में इंडिया में अवेलेबल है, बिकॉज दे कुड इम्पोर्ट द सीड एंड सो मैनी टाइप ऑफ ब्रीड दे हैव स्टार्टेड। सो अगेन ये काफ़ी कॉमन है, कॉमनली अवेलेबल हर सुपर मार्केट में है, घर में लोग कॉर्न यूज़ करते हैं। इसका क्विक रेसिपी है क्रिस्पी कॉर्न। काफ़ी लोग मुझे बोले भी है कि शेफ़ क्रिस्पी कॉर्न हम घर पे बनाते हैं लेकिन वो कॉर्न क्रिस्पी नहीं होता है। अगेन इसमें जो टेक्निक है वो थोड़ा कोटिंग का है, और इसमें आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें 200 ग्राम कॉर्न ले लिए हैं। ये कॉर्न को बिल्कुल इसका पानी इसमें रहने दिए हैं, जो एक हल्का फ्रोज़न कॉर्न है ये, तो एक बार मेल्ट होने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक पानी का लेयर है, हल्का पानी एक चमक है, उसको आपको नहीं निकालना है। इस तरह से कॉर्न को बिछा लीजिए, और इसमें सबसे मेजर इंग्रेडिएंट मतलब टेस्टिंग के लिए है, ये है सॉल्ट, एक सॉल्ट थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिए, और ब्लैक पेपर पाउडर है, आप चाहिए तो वाइट पेपर पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर क्या है, एक टेस्ट देता है, थोड़ा स्पाइसीनेस टैंजीनेस आता है उससे। ये जो है ड्राई कोटिंग, इस पर आप कुछ भी मतलब वेट कोटिंग, जनरली हम लोग बैटर बनाते हैं तो वेट कोटिंग है, लेकिन इसको वेट कोटिंग नहीं करना है। और इसमें दो इंग्रेडिएंट है मेरे पास, एक है रिफाइंड फ्लावर मैदा और दूसरा है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है 2:1 रेशियो में, मतलब 2 टीस्पून आप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून आप मैदा डालेंगे। तो आप देखिए इस तरह से कॉर्नफ्लोर चारों तरफ से हल्का सा ड्राई कोटिंग कर दीजिए, और ये मैदा है। अब इसको हल्का हाथ से ऐसा कि बैटर, इनबिल्ड बैटर, ये जैसा देखिए जो पानी था उसी से वो कोटिंग पकड़ लिया है हल्के का, और ये बिल्कुल पकड़ लिया है, और थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर चाहिए तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए, 1 और 3 टीस्पून आप बोल सकते हैं। ये एक बैटर में सूखापन आ गया है कि पानी, जो भी कॉर्न का जो पानी था वो बिल्कुल को पानी का फील नहीं हो रहा है। इनके थोड़ा क्वांटिटी, यदि कॉर्न में ज़्यादा पानी है तो हो सकता है थोड़ा कॉर्नफ्लोर आपको और ज़्यादा लगे। और इस तरह से ड्राई कोटिंग कर ले, और अब तैयारी करते हैं इसको फ्राई करने का। और फ्राई करने के टाइम में मेक श्योर कि इसको तेल का ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बिकॉज चूंकि ये कॉर्न के अंदर पानी है तो इमिडिएटली तेल को ड्रॉप करेगा, तो आप हाई टेम्परेचर तेल में व्हेन यू स्टार्ट फ्राइंग। गैस सिस्टम ऑन कर दिए, ये कढ़ाई है बिल्कुल सूखा हुआ है, सूखा कढ़ाई में आप तेल डाल सकते हैं, यदि भीगा है तो थोड़ा रुक जाइए। और ये देखिए तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो अराउंड 750 ml तक ऑयल। ऑयल ज़्यादा रहने से क्या होगा कि जब आप फ्राई कर रहे हैं तो उसको स्पेस मिलेगा और इंडिविजुअली फ्राई होगा। डालने से पहले 1-2 डाल के ट्राई कर लेते हैं कि आपका तेल राइट टेम्परेचर है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया, ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर है। और जब आप डालेंगे तो थोड़ा केयरफुल होना होगा, क्योंकि इसमें पानी कंटेंट रहता है, वो एक थोड़ा छीटा जैसा आएगा, तो आप डाल के थोड़ा साइड हो जाएंगे। ये देखिए ये ऐसा स्लो, और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालना है। और ये देखिए थोड़ा साउंड आ रहा है, थोड़ा डिस्टेंस ले ले, और इस तरह से
स्मॉल क्वांटिटी इधर भी डाल दिए। अब एक बार उसका एक पानी का कंटेंट ये चला गया, अब स्लोली स्टेयर कर सकते हैं। थोड़ा स्लो कर दीजिए, टेम्परेचर ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ कॉर्न जो होते हैं वो फूट जाते हैं, ये देखिए जैसा फूटा, और एक ऑयल बिखरता है। तो जब आप डाले हैं थोड़ा देर के लिए, जब तक वो एक हल्का कलर नहीं आ जाए, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, नहीं तो वो रिस्क हो सकता है। क्योंकि जब आप कॉर्न डाल रहे हैं तो हो सकता है कि ये देखिए बिल्कुल हल्का लाइट गोल्डन कलर आ गया, और ये इसका परफेक्ट टेम्परेचर है ऑयल डालने के लिए। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर में आ गया, और कॉर्न को ऐसा प्यार से धीरे धीरे कॉर्न को निकाल लेंगे। आप सोच रहे प्यार से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये कॉर्न आपको यदि कुछ हार्म नहीं पहुँचाए तो प्यार से निकाल सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि जब आप डाल रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब डाल रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले ले। क्योंकि क्या होता है कि कॉर्न ऑयल में जाने के बाद कोई कोई कॉर्न होता है कि ऑयल में फूटने का साउंड आता है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर कॉर्न। अब इन द मीन टाइम बाकी के कॉर्न भी डाल देंगे। इन द मीन टाइम ऐसा कर सकते हैं कि जब तक ये फ्राई हो रहा है, इसमें और भी क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। सॉल्ट लिए हैं, पेपर पाउडर जो पहले मैरिनेशन में भी लिए थे, ये है आपका थोड़ा सा चीनी, हल्का सा चीनी, पिंच चीनी डालना है। और ये एक अनियन लिए है चॉप, इसको चॉप करना है। दो पीस ग्रीन चिल्ली है, चार पीस आपका गार्लिक है जिसको फाइन चॉप करना है, और एक छोटा सा जिंजर हाफ क्यूब। और ये पिमेंटोज लिए हैं आपका रेड कैप, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम का एज, एक छोटे का एज, ताकि आपका बेल पेपर कॉर्न है ये बेसिकली डिश का नाम। और ये है आपका चॉप्ड सिलिंत्रो धनिया, सो ये फाइन चॉप। और ये जो है बटर है आपका, बटर पे टॉस करेंगे उसको, अगेन फाइन चॉप के लिए। आप जानते हैं जैसा हमेशा 1/2 चिलीज हम कर देते हैं, इन केस आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आप डायरेक्ट चॉप कर सकते हैं। ये देखिए ये फाइन चॉप ग्रीन चिल्ली, अनियन लिए, अनियन इन केस इससे छोटे हो तो उस पर भी काम चल जाएगा। ये देखिए ये जिंजर को दोनों साइड से कट कर लिए, अब इसको फाइन चॉप करेंगे। ये देखिए गार्लिक को छोटे छोटे पतले पतले स्लाइस कर लिए, अब उसको, इनफैक्ट यदि आप न्यू कॉमर्स है या घर पे क्विक चाह रहे हैं तो आप जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, ये तीनों को छोटे मिक्सी जार में आप दो तीन बार जस्ट 10-15 सेकेंड उसको क्रश कर दीजिए, तो थोड़ा और फाइन क्रश मिल जाएगा उससे भी, लेकिन काम चल जाएगा, आपको इतना फाइन काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये ले लिए बटर, सो बटर अगेन 1 टीस्पून डाल रहे हैं। जब भी बटर ले तो कोशिश करें कि एक थोड़ा ऑयल, 1/2 टीस्पून ऑयल ले लें, ताकि वो बटर को क्या है कि इमिडिएटली बर्न नहीं हो, और एक 1/2 टीस्पून वो सपोर्ट करे। और बटर चूँकि क्या होता है कि इमिडिएटली व्हेन यू टेक बटर तो बटर इमिडिएटली बर्न होने लगता है, सो चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक, सॉल्ट एंड पेपर कॉर्न। सो ये है आपका ग्रीन चिल्ली, दो ग्रीन चिल्ली, यदि तीखी ग्रीन चिल्ली है आपके पास तो एक चिल्ली में काम हो जाएगा। ये हल्का सा शॉर्टे, जब तक ये शॉर्टे हो रहा है, इन केस आपके पास ये कैप्सिकम नहीं है तो ये ग्रीन कैप्सिकम काफ़ी है, आप ग्रीन कैप्सिकम के साथ बना सकते हैं। सो इसको पतले पतले स्लाइस कर लीजिए, और ये फाइन चॉप थोड़े हल्के क्यूब्स में, अनियन डालने का एक छोटा अनियन लिए थे सो वो फाइन चॉप है,
वो डाल दिया आप क्या इसमें। और इस पे जब आप मसाला बनाएं तो देखिए ये मसाला पक के ड्राई हो जाए, क्योंकि आप क्रिस्पी कॉर्न के साथ जब मिक्स करेंगे तो उसमें प्याज का पानी या ऐसा कुछ भी रहे तो वो सॉगी कर देगा आपका। सो आप इसको बिल्कुल पका ले ऐसा कि बिल्कुल इसका पानी कुक हो जाए और एक ड्राई क्रिस्पी अनियन के जैसा रहे, ताकि जब आप कॉर्न डालेंगे तो कॉर्न आपका सॉगी नहीं करेगा, सॉफ्ट नहीं करना। जैसा है सॉल्ट ले लिए, सॉल्ट अगेन हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर। तो इसमें आप देखिए जो मसाला का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और मैरिनेशन में भी यही गया है। ये भी हाफ टी स्पून डाले हैं और एक पिंच ऑफ शुगर, मतलब शुगर काफ़ी, हाफ 1/8 टी स्पून बोल सकते हैं। और ये ऑप्शनल है, दिस इज़ अगेन यू नो MGS, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अगेन हिंदी में इसको अजीनोमोटो भी बोल सकते हैं। तो ये अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये टेस्ट को थोड़ा इन्हेंस करता है। और ये आपका चॉप्ड धनिया, ये देखिए ये ऑलमोस्ट टू टी स्पून है। सो ये सारे मसाले चले गए हैं इसमें। अब ये मसाले को ऐसा, अनियन बिल्कुल आपका कुक हो गया है, वेल कुक। सो अब पिमेंटोज डालेंगे, कैप्सिकम, और ये कैप्सिकम लास्ट में डाले हैं क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट भी कम है। और दूसरा, पिमेंटोज को उतना कुक नहीं करना है, स्लाइड कुक करना है। ये देखिए 30 सेकेंड्स कुक करें तो एक हल्का कच्चापन चला जाए और उसका एक टेस्ट आए। सो दिस इज़ अगेन, ये कुक हो गया। अब ये राइट टाइम है आपका ये कॉर्न ऐड करने के लिए। अगेन आप थोड़ा जैसे इसको इंडियनाइज्ड या कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा चाट मसाला लास्ट में ऐड कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप और भी। ये देखिए ये इस तरह से कॉर्न को, मतलब जब कॉर्न को पकाए तो इसमें पानी का कंटेंट ड्राई कर दिए, और अभी अनियन भी बना रहे थे तो अनियन को भी कुक ऐसा किए कि उसमें कोई भी पानी का कंटेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉर्न है वो क्रिस्पी रहेगा काफ़ी लंबा टाइम तक। और इस तरह से स्लोली स्टेयर करके इसको आप मिक्स कर लें। और ये आपका पिमेंटोस कॉर्न, क्रिस्पी कॉर्न, ये बिल्कुल रेडी है टू सर्व इट। इस तरह से टॉस कर ले, ये देखिए मसाला ऊपर आ गया और कॉर्न भी क्रिस्पी है। तो आप अपने घर पे बनाइए और अपना रिव्यू शेयर करें, और इन द मीन टाइम मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। क्रिस्पी कॉर्न काफ़ी बैलेंस टेस्ट है, सॉल्ट एंड पेपर के साथ कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्रंचीनेस है, ड्राई कोटिंग जैसा आप किए हैं, और एक अच्छा धनिए का, चॉप धनिए का कॉम्बिनेशन विथ। और शेफ पंकज यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर मेरा रेसिपी, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप मेरा हर अपडेटेड रेसिपीज़, जब भी नए अपडेट रेसिपी आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और आप बिल्कुल एक बार बनाइए और अपना पिक्चर अपलोड कीजिए, अपनी पिक्चर शेयर कीजिए और अपने टेस्ट अपडेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।